बात करने वाले हैं प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के बारे में। तो आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा कि प्रॉक्सिमिटी फ्यूज किसे कहते हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि मिसाइल जो है कि दो प्रकार की होती है, एक होता है ऑफेंसिव, ठीक है, एक होता है ऑफेंसिव मिसाइल, ठीक है, और दूसरा होता है डिफेंसिव मिसाइल, ठीक है। ऑफेंसिव मतलब होता है कि हम आक्रमण करना, किसी भी टारगेट पर आक्रमण करना, ठीक है, और डिफेंसिव मतलब होता है किसी भी टारगेट से अपनी रक्षा करना, ठीक है। अब ऑफेंसिव क्या होता है कि ऑफेंसिव मिसाइल जो होती है उससे हम जो है कि किसी भी आक्रमण करना, किसी भी टारगेट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसका जो टारगेट होता है वो बिल्कुल स्थिर होता है, एक जगह होता है, यानी हम यहाँ से अगर टारगेट यानी कि फिट कर दिए, ठीक है, तो वहाँ पर जो है कि कमांड देने के बाद वो वहीं पर जाएगी गिरिंग मिसाइल, यानी अपने टारगेट को आसानी से जो है कि ख़त्म कर देगी। लेकिन जो डिफेंसिव मिसाइल है इसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो टारगेट होता है यानी अपना रक्षा करना, ठीक है। रक्षा करने का मतलब अगर मान लीजिए सामने से अगर कोई फाइटर जेट आ रहा है या मिसाइल आ रही है तो उससे अपने आप को रक्षा करना यानी इसको ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि डिफेंसिव मिसाइल जो होती है यानी एयर डिफेंस वाली, अब कैसे मारेगा, वहाँ पर जो फाइटर जेट होता है वो तो ऐसे ऐसे भागता रहता है, और जो मिसाइल होती है उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, कई मैक की स्पीड होती है, तो बहुत स्पीड से जाती है, ठीक है, तो अब उसको कैसे मारेगा, यानी अगर जो है कि भागता हुआ टारगेट है तो उसको मारना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको सामने से ऐसे बिल्कुल मार नहीं सकता, लेकिन जो स्थिर है हम उसको तो मार सकते हैं, लेकिन जो चलता फिरता टारगेट है हम उसको आसानी से नहीं मार सकते हैं। तो इसका जो निजात है वो जो है कि कब खोजा गया इसके बारे में बताऊँगा आपको। बता दें कि वर्ल्ड वार, ठीक है, वर्ल्ड वार टू में जो है कि इसका जो है कि खोज किया गया था प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का, ठीक है। अब प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कैसे खोजा गया कि वर्ल्ड वार टू में, यानी कि एक तरफ जापान और एक तरफ जर्मनी, ठीक है, जर्मनी और जापान एक तरफ थे, और अमेरिका, यूनाइटेड नेशन जिसे बोलते हैं, और सोवियत संघ और जो है कि ब्रिटेन, ये सब एक तरफ थे, और जर्मनी जापान एक तरफ था। तब जो है कि जापान पास फाइटर जेट थे यानी प्लेन थे, ठीक है, उससे जो है कि अटैक करता था, और जो यूनाइटेड नेशन ब्रिटेन की तरफ थे उनके पास वो आर्टिलरी मशीन गन थी, तो उसमें गोले फिट होते थे, उससे मारते थे। अब यहाँ ये होता था जो जापान के फाइटर जेट थे वो आसानी से जो है कि बम गिराकर चले जाते थे, अब उनको मारने के लिए आर्टिलरी गन का गोला जो है कि बहुत ज़्यादा बर्बाद होता था, यानी एक टारगेट को मारने के लिए आर्टिलरी गन से जो है कि उनको जो है कि मारने में हज़ारों हज़ार जो है कि गोला इनका बर्बाद हो जाता था। तब इन्होंने एक विचार किया कि हम एक ऐसा जो है कि फ्यूज बनाएं जिससे कि हम बिल्कुल एकदम टारगेट पर ना मारें, अगर टारगेट थोड़ा दूर ही जो है कि दूर ही रहे तभी हम उस चीज़ को जो है कि ख़त्म कर दें, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि यानी प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का जो है कि खोज किया। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज ऐसे होता है, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज ऐसे होता है, तो अब यह क्या करता है कि ये मिसाइल के आगे लगाया जाता है। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो यूनाइटेड नेशन के जो अमेरिकी थे उन्होंने जो आर्टिलरी गन था उस गोले के आगे जो है कि लगाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद जब मारते थे उसको जहाज को तो वो जब एकदम बिल्कुल लगता नहीं था उसमें से, लेकिन अगर थोड़ा दो चार फीट दूर ही रहता था तभी वो जो है कि इंप्लोसिव हो जाता यानी फट जाता था, उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता था कि वो जो है कि टारगेट बुरी तरह से ख़त्म हो जाता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एयर डिफेंस वाली जो मिसाइलें होती हैं उसमें जो है कि जो है प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का जो है कि इस्तेमाल किया जाता है आगे। अब यहाँ पर ये होता है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक फाइटर जेट आ रहा है, अब इधर से एक फाइटर जेट आ रहा है और यहाँ से एक मिसाइल जा रही है डिफेंस वाली, तब यहाँ पर बिल्कुल सीधा अटैक नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है कि जहाज बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तब यहाँ पर होता है जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा होता है मिसाइल में, अगर जो है कि यहाँ पर पहुँचा, इसके इधर पहुँचा या इधर पहुँचा, तो इसमें से क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होता है उसमें से निकलती हैं तरंगे, ठीक है, तो तरंगे निकलती हैं जो वो दो तीन चार फीट अगर दूर ही रहती हैं तभी वो जो है कि फट जाता है, तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि इम्पैक्ट इतना ख़तरनाक होता है कि अपने टारगेट को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, वो चाहे मिसाइल हो चाहे फाइटर जेट हो। तो इस तरह से जो है कि यूनाइटेड नेशन यानी अमेरिका ने जुगाड़ लगाया कि हम जो है कि इसको जो है कि बनाए फ्यूज जो कि दूरी से ही अपने टारगेट को हिट कर दे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब।